जम्मू श्रीनगर हायवेवर उधमपूर जिल्ह्यामध्ये सामरोली इथं बीएसएफच्या ताफ्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला केलाय. या हल्ल्यामध्ये दोन जवान शहीद झालेले आहेत तर एका अतिरेक्याला कंठस्नान घालण्यात यश आलेलं आहे. सीमा सुरक्षा दलाचे 8 जवान जखमी झाल्याची माहिती पीटीआयनं दिलेली आहे. बीएसएफचं हे पथक हायवेवर गस्त घालत होतं आणि त्याचवेळी अतिरेक्यांनी जवानांच्या दिशेनं गोळीबार सुरू केला. त्याला जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं, मात्र तोपर्यंत दोन जवान शहीद झाले होते. पोलीस आणि सीआरपीएफनं घटनास्थळी धाव घेतली असून परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली आहे. अतिरेक्यांना शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरू करण्यात आलं आहे. हायवेची वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे. आणि या संदर्भात आणखी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. आमचे प्रतिनिधी राजीव केळणी सध्या आपल्या बरोबर आहेत. जी राजीव जी बताइए, क्या हालात है, हम जानना चाहते हैं क्या वहां पे जम्मू कश्मीर हाईवे पे जो ये हादसा हुआ है क्या क्या हो गया, अभी अपडेट्स क्या है इसमें? इस समय जो अपडेट इस हमले का ये है कि 2 बीएसएफ के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं. 8 से 9 बीएसएफ के जवान जो है वो इस हमले में जो है इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं. एक मिलिटेंट भी अभी तक जो है मार गिराया गया है. हालांकि इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं. हाइट्स जितनी है, पहाड़ियां जितनी है, वहां पर सेना के कॉलम जो है वो मूव किए गए हैं, वो सर्च कर रहे हैं. इसमें हमले में बताया जा रहा है कि शायद 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो इसमें शामिल जो है इस हमले के लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं. जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ये उधमपुर से 17 किलोमीटर दूर जो है ये नरसू नाला इलाका था. यहाँ पे मिलिटेंट्स की तरफ से आज सुबह 7:15 जो है बीएसएफ के कॉन्वॉय पे हमला किया गया था. बीएसएफ का ये कॉन्वॉय जो था श्रीनगर जा रहा था और इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं. अभी उसी समय जो है थोड़ी देर पहले अमरनाथ की यात्रा इसी हाईवे से गुजरी थी, उसको भी आगे जो है हाईवे पे स्टॉप कर दिया गया. कुल मिलाकर अगर देखें तो उधमपुर से आगे ट्रैफिक जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बंद है और पत्नीटॉप से नीचे की तरफ जम्मू की तरफ आने वाला ट्रैफिक जो है वो रोका गया है. जी जी, शुक्रिया दी हुई सभी जानकारी के लिए. राजू केरनी हमसे प्रतिनिधि आपल्या बरोबर होते आणि सामरोली उधमपूर इथली माहिती जी आहे, बीएसएफचे 8 जवान जखमी झाले, 2 जवान शहीद झालेले आहेत, तर एका अतिरेकेला कंठस्नान घालण्यात यश मिळालेलं आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.